तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल हकाई की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज के वीडियो में हम देखेंगे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैंडिडेट बीरस की स्टोरी। हम आज बीरस की स्टोरी का पार्ट 4 कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ड्रैगन बॉल हकाई एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है जिसे लिखा है हकाई इंग्लिश ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती हैं और मैं यहाँ पर आपके लिए लगातार वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि बीरस मॉन्स्टर से हार मान लेता है, क्योंकि वो अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उसे हरा नहीं पा रहा होता। उस बहुत ही पावरफुल डीमन मॉन्स्टर के बीरस के प्लैनेट पर आने की वजह से ऐसा लग रहा था कि बीरस का प्लैनेट अब नहीं बचेगा। और जब बीरस ने पूरी तरीके से हार मान ली थी, तब बीरस के मास्टर यानी कि लॉर्ड टैरन वहाँ पर पहुँच जाते हैं ताकि वो उस मॉन्स्टर को हरा सके। हम देखते हैं कि बीस और लॉर्ड गाजा भी उनके साथ होते हैं। बीरस अपने मास्टर के अचानक से वहाँ पर आ जाने की वजह से काफ़ी हैरान होता है। वो बोलता है, मिस्टर टैरन, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं कि तीनों के तीनों गॉड्स बीरस को देख रहे होते हैं और उनके पीछे वो मॉन्स्टर होता है जो कि अभी हराया नहीं गया है। लॉर्ड टैरन बोलते हैं कि इस सेक्टर के काय ने इस मॉन्स्टर को देख लिया था, इसीलिए उन्होंने सुप्रीम काय को इन्फॉर्म कर दिया और इसीलिए गाजा हमारे को यहाँ पर लेकर आ गए। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर फिर से पावर अप करता है और उसकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही होती है। उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि पूरा का पूरा प्लैनेट हिल रहा होता है और अचानक से ही वो मॉन्स्टर अपने अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी को रिलीज़ करता है, जिसके बाद एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लॉर्ड टैरन बोलते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता जा रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बहुत तेज़ी से बीरस और टैरन की तरफ बढ़ता है, पर लॉर्ड टैरन फाइट में उतरने से पहले एकदम से लॉर्ड गाजा की तरफ देखते हैं और लॉर्ड गाजा स्माइल करते हैं। लॉर्ड गाजा एकदम से बोलते हैं, काय काय, और इसके बाद वो एकदम से टेलीपोर्ट कर जाते हैं और मॉन्स्टर के बराबर में पहुँच जाते हैं। मॉन्स्टर को अभी पता नहीं होता कि उसके बराबर में कोई आ गया है और इसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड गाजा एकदम से मॉन्स्टर को छूते हैं और वो एकदम से मॉन्स्टर को लेकर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। बीरस बहुत हैरान होता है, वो बोलता है कि वो लोग कहाँ गए। लॉर्ड टैरन बोलते हैं कि गाजा मॉन्स्टर को लेके किसी ऐसे प्लैनेट पर गया है जो काफ़ी दूर हो और जो प्लैनेट पूरे तरीके से खाली हो, ताकि हम मॉन्स्टर का सामना बिना किसी दिक्कत के कर पाएँ। तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड गाजा एकदम से वापस आ जाते हैं और लॉर्ड टैरन से बोलते हैं कि चलो चलते हैं। इसके बाद लॉर्ड टैरन बीरस से बोलते हैं कि बीरस, तुम भी चलो, ये तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इससे तुम मुझे कुछ अलग करते हुए देख पाओगे। बीरस काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, पर अल्टीमेटली उसके पास कोई भी चॉइस नहीं है। हम देखते हैं कि लॉर्ड गाजा सभी को लेके एकदम से टेलीपोर्ट करते हैं और आखिरकार वो टेलीपोर्ट करके उस प्लैनेट पर आ जाते हैं जो पूरी तरीके से खाली होता है और जहाँ पर लॉर्ड गाजा उस मॉन्स्टर को छोड़कर गए थे। जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर एकदम से लॉर्ड टैरन को देखने लग जाता है और उन पर हमला करना शुरू कर देता है। बीरस मॉन्स्टर को देख के हल्का सा घबरा रहा होता है और तभी एकदम से लॉर्ड टैरन मॉन्स्टर की तरफ देखते हैं और एकदम से जाके उसे बहुत ही ज़बरदस्त किक मारते हैं। ये किक इतनी ज़बरदस्त थी कि मॉन्स्टर हवा में ही बहुत दूर जाके गिरता है। तभी बीरस एकदम से वीस से एक सवाल पूछता है। वो बोलता है, वीस, आखिर ये मॉन्स्टर आया कहाँ से है, मैंने तो सोचा था कि कोई क्रीचर इतना ज़्यादा पावरफुल हो ही नहीं सकता। वीस बोलता है कि सच बताऊँ तो मुझे इस मॉन्स्टर के बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं था जब तक ये सामने नहीं आया था, पर हाँ, इसके अंदर से जो की मुझे महसूस हो रही है वो मकाई वर्ल्ड की है, तो हो सकता है कि ये मकाई वर्ल्ड से आया हो, ये इस दुनिया से नहीं है। बीरस बोलता है, क्या मकाई वर्ल्ड, यानी कि वो दुनिया जहाँ पर डीमंस रहते हैं। वीस बोलता है, हाँ बिल्कुल सही समझे, इस क्रीचर की ईवल और करप्टेड की बिल्कुल उन्हीं क्रीचर्स की तरह है जो उस दुनिया में रहते हैं। बीरस बोलता है कि अच्छा, तो उस दुनिया में इतने पावरफुल क्रीचर्स रहते हैं। तभी एकदम से लॉर्ड गाजा बीच में बोलते हैं, वो बोलते हैं, मकाई वर्ल्ड एक बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस जगह है, एक सुप्रीम काय होने के बावजूद भी मेरी सेंसेस वहाँ तक सही तरीके से नहीं पहुँच पाती हैं, पर उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मकाई वर्ल्ड से हमारे दुनिया में आना ये इतना आसान काम नहीं है, इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मॉन्स्टर यहाँ पर कहाँ से आ गया, ये काफ़ी अजीब बात है। हम देखते हैं कि लॉर्ड टैरन और मॉन्स्टर की लड़ाई अभी भी चल रही होती है। लॉर्ड टैरन मॉन्स्टर पर लगातार चारों तरफ से हमला कर रहे होते हैं और उस मॉन्स्टर को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता, और लॉर्ड टैरन ने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने के बावजूद भी अभी तक इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाए होते क्योंकि इस क्रीचर की ताकत लगातार बढ़ती जा रही होती है। लॉर्ड टैरन इतने सारे अटैक उस पर कर रहे होते हैं कि लगातार धमाके हो रहे होते हैं। आखिरकार टैरन एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच बनाते हैं और उस मॉन्स्टर को जाके मारने वाले होते हैं, पर तभी वो मॉन्स्टर भी एक पंच बनाता है और लॉर्ड टैरन को मारता है और दोनों के पंचेस टकराने की वजह से बहुत ही तगड़ी शॉक वेव निकलती है। लॉर्ड टैरन अपने मन में सोचने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि हम लोग काफ़ी लंबे समय से लड़ रहे हैं और लगता है कि ये मॉन्स्टर लगातार ताकतवर होता जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लड़ाई के जरिए ही अपनी ताकत को बढ़ा रहा हो।
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसे जो पंचेस मार रहा हूँ उसकी ताकत ये किसी तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा हो और अपनी ताकत को बढ़ा रहा हो। ऐसा लग रहा है कि ये मॉन्स्टर पूरी तरीके से नेगेटिव एनर्जी से बना हुआ है, इसीलिए अगर मैं इसके वाइटल पॉइंट्स पे भी अटैक करता हूँ तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये मारा नहीं जाएगा और ये मॉन्स्टर लगातार उठता ही रहेगा चाहे मैं इसे कितना भी नुकसान पहुँचा लूँ। बीरस के भी मन में सेम बात चल रही होती है। वो बोलता है कि इस फाइट में भी वही हो रहा है जो मेरी और चंपा की फ़ाइट में हो रहा था। ऐसा लग रहा है कि ये मॉन्स्टर हर सेकंड के साथ और ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा है। बीरस बहुत ही हैरानी से फाइट को देख रहा होता है। बीरस बोलता है कि अगर इस क्रीचर की ताकत लगातार ऐसे ही बढ़ती रही तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा और ये मास्टर टैरन को भी पीछे छोड़ देगा। वीस और लॉर्ड गाजा ये बात सुनकर काफ़ी हैरान होते हैं और वीस बोलता है कि बीरस मैं उस बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करूँगा, तुम्हारी बात सही है कि इस मॉन्स्टर की ताकत लगातार बढ़ रही है और वो भी काफ़ी तेज़ी से, पर चिंता मत करो, लॉर्ड टैरन और उस मॉन्स्टर के बीच में ताकत का डिफरेंस बहुत ही बड़ा है। बीरस बोलता है कि अगर ऐसा है तो इस फाइट को ख़त्म होने में इतना ज़्यादा समय क्यों लग रहा है। वीस बोलता है कि इसका जवाब बहुत ही ज़्यादा आसान है, लॉर्ड टैरन उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं ताकि वो उसके बारे में और ज़्यादा जान सकें। बीरस बोलता है कि क्या जान सकें, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तभी वीस लॉर्ड टैरन की फ़ाइट की तरफ देखता है। वीस बोलता है कि लगता है लॉर्ड टैरन उस मॉन्स्टर के बारे में जो जानना चाहते थे वो जान चुके हैं, लगता है ये फाइट जल्द ही ख़त्म होने वाली है। बीरस भी फाइट की तरफ देख रहा होता है और मॉन्स्टर और टैरन की लड़ाई अभी भी चल रही होती है और ऐसा लग रहा होता है कि वो मॉन्स्टर टैरन पे हावी हो रहा है। मॉन्स्टर एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच लॉर्ड टैरन को मारता है जिसमें से एक बहुत ही ज़बरदस्त की ब्लास्ट निकलता है। ये अटैक इतना ज़बरदस्त था कि प्लैनेट से बाहर भी दिख रहा होता है और तभी मॉन्स्टर अपना अगला अटैक करने के लिए लॉर्ड टैरन की तरफ बढ़ता है और उन्हें बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। लॉर्ड टैरन एक ही हाथ से उस मॉन्स्टर के अटैक को रोक देते हैं। लॉर्ड टैरन बोलते हैं कि तुम एक ऐसे मॉन्स्टर हो जो कि नफरत से अपनी भूख मिटाता है और जंग जितनी खतरनाक होगी तुम्हारी ताकत उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, इसीलिए कोई भी वॉरियर अगर तुम्हारा सामना कर रहा होगा तो उसे यही लगेगा कि तुम्हें हराया नहीं जा सकता, पर तुम्हारे जैसा अजीब सा क्रीचर भी डिस्ट्रक्शन की प्योरेस्ट फॉर्म से नहीं बच सकता। ऐसी प्योर डिस्ट्रक्शन जिसमें ना कोई नफरत हो और ना ही कोई इमोशन हो, ऐसी डिस्ट्रक्शन जो कि दुनिया में से सारे ईवल को मिटा दे, वो मॉन्स्टर को सोच नहीं सकता, इसीलिए टैरन के फाइट को रोक देने की वजह से चिल्लाने लग जाता है। लॉर्ड टैरन बोलते हैं कि एग्जिस्टेंस से गायब हो जाओ। हकाय लॉर्ड टैरन हकाय का एक बहुत ही ज़बरदस्त अटैक उस मॉन्स्टर पे करते हैं और हम देखते हैं कि कुछ ही पलों में वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से गायब हो जाता है। वीस और गाजा ज़्यादा हैरान नहीं होते पर बीरस बिल्कुल हैरान रह जाता है क्योंकि वो हकाय का इस तरीके से इस्तेमाल पहली बारी देख रहा है। एक ऐसा मॉन्स्टर जिसे हराना ऑलमोस्ट नामुमकिन था उसे लॉर्ड टैरन ने इतने आराम से हरा दिया। टैरन की जीत के बाद बीरस और गाजा उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं और लॉर्ड टैरन जहाँ पर खड़े थे वहीं पर खड़े होते हैं। लॉर्ड गाजा आके टैरन से पूछते हैं कि लॉर्ड टैरन तुमने भी वही नोटिस किया ना, आखिर लॉर्ड टैरन और गाजा किस बारे में बात कर रहे हैं, आखिर उन दोनों ने क्या नोटिस किया है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।